लखनवी रसोई में मैं मिथिलेश भदौरिया आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हमारे यहाँ मक्के की पूरी और सरसों का साग बनने जा रहा है। देखिए मक्के की पूरी मैं बनाने जा रही हूँ, मेरी कढ़ाई का तेल हो रहा है। ये देखिए ये मेरा सरसों का साग है, ये देखिए ये सरसों का साग है, ये देखिए ये सरसों एक गड्ढी पालक और एक और आधा गड्ढी बथुआ मिला के ये बनाया गया है। देखिए ये इसकी रेसिपी शूट नहीं कर पाए, ये देखिए जो है जितना ही मारोगे उतना ही अच्छा बनेगा। ये मक्के पूरी ऐसे बनाई जाती है। ये अब इसको फिर इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए वो ठीक है कि पॉलीथीन उन्हें बनाई जाती है लेकिन उसमें गेहूं का आटा थोड़ा मिला दिया जाता है तब बनती है। ये देखिए मैंने गेहूं का आटा नहीं मिलाया, देखिए कितनी पीली है पक्की। ये देखिए ये इसको हम ऐसे ऐसे किनारा पतला जरूर करें, ये धीमे धीमे बढ़ाएं और ये पोर्शन भी दबाते रहें। ये देखिए ये देखिए थोड़ा किनारा हो ये और किनारा दाब दीजिए। ये देखिए देखिए कितनी बढ़िया बन गई। अब हम इसमें थोड़ा सा पकौड़ी बनाई थी तो कालापन आ गया है, पीछे कूपर खड़े हैं। ये देखिए ये अब हम गैस करते हैं तेज, ये गई दूसरी, ये दूसरी वाली। अब इसको देखो हम किनारे लगाते हैं इसका सारा तेल निचुड़ जाएगा। बन गई अब ये देखिए दूसरी, ये देखिए ये दूसरी, ये देखिए इसको और ये मेरा बच्चा है छोटा सा नाती वो भी बना रहा मक्के की पूरी। ये बच्चे का दिखा दो, ये देखिए लो ये देखिए ये मेरा सरसों का साग है, सरसों पालक बथुआ, ये मेरा मिर्चे का अचार है, ये मेरा प्याज है, ये मेरी टमाटर की सलाद है, ये मक्के की पूरी है। आज सबका मक्के की पूरी और सरसों का साग खाने का मन था, ये मेरे बेटे के लिए मैंने थाली लगाई है। आप लोगों को कैसी लगी लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मैं लखनवी रसोई से मिथिलेश भदौरिया, देखिए ये मेरा बच्चा है, ये देखिए पूरी भी बना रहा, देखिए बाय करो बाय करो। चलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हाँ तो आई एम श्याम प्रताप, हाँ तो दो सब्सक्राइब करिए, थैंक यू, आई लव यू। ये देखिए ठीक है, अभी देखिए दूसरी पूरी भी मेरी, ये मैंने खा ली, थैंक यू।